हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, और हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है स्पेशल स्टेनिंग। पिछला जो वीडियो था हमारा वो था पीरियोडिक एसिड सिप स्टेन यानी पास स्टेन के बारे में बात की थी। अब हमारा जो ये वीडियो है ये है मेयर्स म्यूसी कार्बिन मेथड। तो ये किन के लिए किया जाता है कि जो म्यूसिन होती है, ठीक है, जैसे ट्यूमर में है, एपिथीलियम में है, तो उनको टेस्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब इसे सब्सक्राइब कर ले। हम बात करते हैं मेथड के बारे में। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो म्यूसी कार्बिन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बहुत सी रिंग्स होती हैं और एल्यूमिनियम रिंग्स के साथ में मिलकर के ये क्या है, एक रिंग बनाती हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। अब क्या है, जब म्यूसिन से ये कनेक्ट होगी तो फिर ये एक प्रकार का, ये हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल बनेगा, फुल मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन बहुत सी रिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं, म्यूसिनिक एसिड है, फिर एल्यूमिनियम है, उनके जुड़ने के साथ में पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये चिलेट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। जो हमने अभी तक बात की है कि रैशनल फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ म्यूसी कार्बिन फॉर्मेशन इज नॉट फुली अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबल मैकेनिज्म इज दैट एल्यूमिनियम साल्ट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म ए चिलेट कंपाउंड विद कार्बिन, दस प्रोड्यूसिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल एंड सब्सिक्वेंटली बाइंडिंग टू द पॉली एनहांस। बात भी समझ में आई ना कि एल्यूमिनियम से क्या होता है, ये बाइंड होता है, फिर वहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलता है, वहाँ से कार्बन से बाइंड होकर के ये चिलेट कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। द कंपाउंड हैज ए लार्ज मॉलिक्यूल एंड अलाउज दैट डाइकॉम्प्लेक्स टू पेनिट्रेट एंड बाइंड टू एसिडिक सब्सटेंस ऑफ लो डेंसिटी लाइक म्यूसिन्स। अदर एसिडिक सब्सटेंस लाइक न्यूक्लिक एसिड आर हाई डेंसिटी, हेंस एक्सक्लूड द म्यूसी कार्बन। तो ये हमने बात की कि म्यूसिनिक एसिड जो होती है वो एल्यूमिनियम साल्ट्स के साथ में, एल्यूमिनियम साल्ट्स के साथ में क्या देगी हमारे लिए कि ये देगी पॉजिटिव चार्ज देगी। और अब वो क्या है, कनेक्ट होकर के आपस में, वो बाइंड होकर के आपस में जो मॉलिक्यूल बनाएंगी, लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगी, तो उसको हम क्या है देखेंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब हम इसके रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो रिएजेंट्स में जो लेंगे वो वेकर्स आयरन हेमेटोक्सिलिन सॉल्यूशन लेंगे, उसका सॉल्यूशन ए बनाते हैं हम। हेमेटोक्सिलिन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो 1 ग्राम लेंगे, एल्कोहल 95% लेंगे 100 ml, सॉल्यूशन भी बनाएंगे फेरिक क्लोराइड 29% एक्वस 4 ml, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड 1 ml, डिस्टिल वाटर 95 ml। वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे फिर इसके बाद में हम, इनमें से दोनों जो सॉल्यूशंस बनाए इनका इक्वल पार्ट ए और बी का हम ऐड करेंगे। फिर बनाएंगे म्यूसी कार्बिन सॉल्यूशन, इसमें कार्बन 1 ग्राम, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रा 0.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर 2 ml। तो ये इस प्रकार से हमारे रिएजेंट्स बन जाएंगे। पहला वेगर्स आयरन हेमेटोक्सिलिन सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर उसके बाद में म्यूसी कार्बिन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये रहे हमारे रिएजेंट्स। अब क्या करना है आगे कि मिक्स स्टेन इज स्मॉल इवापोरेटिंग डिस्क, ठीक है, थोड़ा सा इवापोरेट होती है ये। हीट ऑन इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट फॉर 2 मिनट्स, इसको हीट किया जाएगा थोड़ा सा, लिक्विड बिकम्स ब्लैक एंड सिरपी, तो ये ब्लैक हो जाएगा ये लिक्विड। डायल्यूट विद 100 ml ऑफ 50% एल्कोहल एंड लेट इट स्टैंड फॉर 24 आवर्स फिलर। अब क्या करेंगे आगे, हम डायल्यूट करेंगे 1 पार्ट ऑफ म्यूसी कार्बिन सॉल्यूशन को 4 पार्ट ऑफ टैप वाटर के साथ में यूज करेंगे। अगला रिएजेंट हमारा 0.25% मेटानिल येलो सॉल्यूशन, मेलानिल जो होता है, मेलानिल 0.25 ग्राम लेंगे, डिस्टिल वाटर 100 ml लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 0.25 ml लेंगे। इस प्रकार से हम 3 रिएजेंट्स हैं सॉल्यूशन से उनको बनाते हैं और उनको हम इसमें काम में लेने वाले हैं। इनको आप जरूर याद रखें क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इन जो रिएजेंट्स होते हैं इनमें से आने वाला है। मेनली जो सेकंड वाला म्यूसी कार्बिन सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाते हैं,
इसके बारे में आएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर की बात करते हैं तो डी पैराफिनाइजेशन और हाइड्रेशन डिस्टिल वाटर के साथ में करेंगे। वर्किंग सॉल्यूशन जो वेगार्ड सिमेट्रोक्सिलिन का है उसको 7 मिनट तक उसमें रखेंगे। फिर उसके बाद में हम सेक्शंस को वाश करेंगे रनिंग वाटर में, फिर डायल्यूट करेंगे म्यूसिकार में सॉल्यूशन से 60 मिनट्स के लिए, फिर रिंस करेंगे क्विकली इन डिस्टिल वाटर में, फिर मेटानिल येलो सॉल्यूशन जो हमने बनाया था उसमें 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ में क्विकली करेंगे, फिर डिहाइड्रेट करेंगे 95% एल्कोहल से एब्सोल्यूट एल्कोहल, फिर क्लियरिंग करेंगे वही जायलिन के 2 चेंजेस के द्वारा, माउंट करेंगे डीपीएक्स के साथ में। तो ये हमारा हो जाता है प्रोसीजर। अगर आपको रिएजेंट्स याद है स्टूडेंट्स तो प्रोसीजर को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। मेनली इसमें बात कर लीजिए तो कहीं भी यहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें डिस्टिल वाटर का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और बाकी की जो हमारे तीनों जो हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं वो काम में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो वेगार्ड सिमेटोक्सिलिन आ रहा है, यहाँ पर म्यूसिकार्बिन आ रहा है, और ये मेटानिल येलो सॉल्यूशन आ रहा है। यानी इन तीनों में डालते जाइए, डिफेरापनाइज करिए और हाइड्रेट करिए डिस्टिल वाटर में, उसके बाद में सॉल्यूशन में डालिए और रनिंग वाटर में डालिए या फिर डिस्टिल वाटर में डालिए, और ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप उसको डिहाइड्रेट करके क्लियरिंग करके माउंट कर दीजिए। अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो रिजल्ट्स इस प्रकार से बनते हैं कि म्यूसिन होती है वो डीप रोज टू रेड दिखती है, क्रिप्टोकोकस के कैप्सूल्स होते हुए भी डीप रोज टू रेड ही दिखते हैं, न्यूक्लियाई होता है वो ब्लैक दिखता है, अदर टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं वो येलो दिखते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सर्टेन ट्यूमर्स आर म्यूसिन प्रोड्यूसिंग डेमोस्ट्रेशन ऑफ म्यूसिन इन सच ट्यूमर्स कन्फर्म दियर ऑरेंज स्पेशली इन पुअरली डिफ्रेंशिएटेड और मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर। तो ट्यूमर कहाँ से उत्पन्न हुआ है वो म्यूसिन की प्रेजेंस जो होती है वो इस चीज़ को बता देती है। आगे बात समय में तो ये हमने आपसे बात की है किसके बारे में, ये हमने बात की है मेयर्स म्यूसिकार्बिन मेथड ऑफ स्टेनिंग के बारे में बात की है। स्टूडेंट्स अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, वो रहेगा हमारा फैट्स मेथड फॉर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।